क्षेत्र में हुए मर्डर से क्षेत्रीय जन आक्रोशित दिखे, क्षेत्रीय जनों ने गढ़ा थाने का घेराव कर शिकायत दर्ज की। हमारे वार्ड में रानी दुर्गावती की वार्ड में देवताल की घटना है। वहाँ का एक परिवार ग्वारी घाट में वो लगाता है, तिलवाड़ा घाट में ठेला लगाता है चाट और डोसे का। ऐसे नियमित रूप से वो आनंद कुंज में ठेला लगाते हैं, लेकिन मेला होने के कारण वहाँ पे ठेला लगा तो उसके कारण कोई उनके जो भी जिस व्यक्ति ने भी अपराध किया वो वहाँ पे आया, 5 रुपए के पीछे उनको उनके पापा को कम से कम घर के 3-4 लोगों को चोटें आई हैं। जो हिमांशु करके लड़का है जो बीच वाला था उसको इतनी ज्यादा चोट आई कि स्पॉट पे वो खत्म हो गया। और ये जो पूरा प्रकरण है कल का प्रकरण है, इस कल प्रकरण में शाम 5:30 बजे के आसपास जो घटना घटित हुई है जो कि तिलवाड़ा घाट पे है, जो कि जो घटना स्थल पर लगभग 3 लोग घायल हुए थे। इसमें जो फरियादी पक्ष है वो स्वयं जो है फुल्की वगैरह बेचने का ठेला लगाया था, तो जिसमें आरोपी ने उसको पैसे के विवाद को लेकर के चाकू मार दिया था, जिसमें 2 लोग घायल है और 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तिलवाड़ा में संक्रांति मेले के दौरान 5 रुपए के विवाद पर किशोर की चाकू से गोद कर हत्या के मामले ने आज फूल पकड़ लिया। मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों लोग गढ़ा थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर हत्यारे व हत्या में शामिल आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग। हंगामे की सूचना पर CSP गोरखपुर अंजुलता पटले मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाइश के साथ हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इस दौरान गढ़ा TI RK गौतम एवं जीवनी नगर TI संजय भलावी भी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। कल मेले में हम लोग 4 जन आए, 2 बच्ची उसकी मिसेस और बुआ है। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से कितना दी? चाट आट खाया, उन लोगों को 55 रुपए का बिल बना रहा है तो उसने 50 रुपए दिए। पानी के पाउच 2 पिए उसने तो हमारे छोटे वाले बच्चे ने, हमने बोले 5 रुपए और दे दो भैया। उसने गाली बके, माँ बहन देखो गाली गंदे गाली बकने लगा वो, तो हमारे छोटे वाले लड़के ने बोला ये गाली मत बको गाली, इतना बोला उसने नकार के चाकू मार दिए। पार्ट में ही शामिल हो जाएंगे और अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन जिस तरह से आज यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए पेपरों में दिया है कि गिरफ्तारी हो गई, यहाँ आने पर पता लगा कि अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ, दमोह में लोकेशन बता रहा है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी इस तरह के अगर हम लोगों को आश्वासन मिलेंगे तो कैसे कोई पुलिस प्रशासन पर विश्वास करेगा। नगर निगम शहर में स्वच्छता अभियान चला रहा है तो दूसरी ओर रानीताल स्टेडियम इसका उल्टा ही उदाहरण पेश कर रहा है। रानीताल स्टेडियम में चारों ओर सिर्फ गंदगी ही दिखाई दे रही है। स्वच्छता में नगर निगम जहां जबलपुर को नंबर 1 बनाने की बात कर रहा है, वहीं एक और खेल के मैदान की तरफ गंदगी का एक नजारा देखने को मिला है। शहर की शान कहे जाने वाला रानीताल स्टेडियम गंदगी का पर्याय बन चुका है जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है। स्टेडियम में हॉस्टल भी संचालित हो रहा है और वहीं पर नालियों से आता पानी इकट्ठा हो रहा है जिससे बदबू और प्रदूषण बढ़ रहा है। राज्य स्तर पर इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के साथ ये कैसा व्यवहार है शासन का, यह सवाल बार बार सामने आता है। सूर्यकांत चौधरी, मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ और आज जो देख रहे हैं आप यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई है हर तरफ और इससे मतलब काफ़ी नुकसान हो रहा है सबका। जितने लोग भी आते जाते हैं लगातार मतलब बदबू मारता है कि यहाँ रहना भी मुश्किल होता है। क्षेत्रों में सरपंचों की गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है, ऐसा ही एक मामला आज SP ऑफिस में SP के समक्ष पहुंचा। के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे छोटेलाल पटेल ग्राम मोनकवारा निवासी ने एक शिकायत पुलिस अधीक्षक सहित जिला अपर कलेक्टर के नाम सौंपी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सरपंच चुनाव के वक्त वर्तमान में पदस्थ ग्राम सरपंच के पक्ष पर वोट नहीं डालने पर वह उसे प्रताड़ित कर रहा है, जिसमें पटवारी एवं तहसील को झूठी शिकायत कर पट्टे निरस्त करवाने जैसे कार्यों में उसके साथ संबंधित पटवारी एवं तहसीलदार उससे मिले हुए हैं जिसके खिलाफ जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भूखंड वहाँ पर दिया गया ग्राम पंचायत के प्रशंसा से तहसीलदार के तहत, वो दिनांक है 30/8/2012। इसके बाद विरोधाभास के कारण जो सरपंच है कि तहसीलदार पटवारी से मिलकर के उस पट्टा को निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है।
भू माफियाओं द्वारा शहर में लगातार गरीबों की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें आ रही हैं। एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित ने भू माफिया के खिलाफ शिकायत की। 50 लाख से अधिक की भूमि फर्जी तरीके से भू माफियाओं ने हत्या ली, यह आरोप शारदा पटेल इंदिरा गांधी वार्ड जबलपुर निवासी ने बताया कि उनकी 57 डिसमिल खेती की बेशकीमती भूमि जो उसने कभी बेची ही नहीं, भू माफियाओं की मिली भगत से शासकीय पटवारी व बाबू ने किसी और के नाम कर दी। अब उसे पाने व दर दर भटक रहा है। इसी की शिकायत करने आज पीड़ित परिवार एसपी ऑफिस पहुँचा, जहाँ उसने मामले की शिकायत की। एसपी ऑफिस आए हुए हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी से जमीन बेची गई है। जो जमीन हमारी बसा ग्राम में है, विकासखंड पनांगर में आती है, हमारा परिवार उस जमीन पर खेती कर रहा है और आज भी फसल लगी हुई है, जिससे मुसीबत आने पर कुछ जमीन हम लोग परिवार वालों ने बेचना चाहा तो उसके जब हम लोगों ने नेट से निकाला सौदा होने पर तो जमीन कम पाई गई। इस कारण से हम लोग एसपी साहब से निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। अतिक्रमण द्वारा टूटे हुए संत श्री रविदास के मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय नागरिकों ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र में संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी का प्राचीन मंदिर था जो कि अतिक्रमण में टूट गया है, तो माननीय महापौर जी से आज रविदास समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि जो मंदिर टूटे हैं उसके लिए एक स्थान दिया जाए। एंट्री में घुसकर ट्रकों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा ही एक मामला आज विजयनगर में सामने आया। विजयनगर में स्कूल से घर लौट रही छात्रा को एक ट्रक ने रौंद दिया। शहर को नए एसपी के साथ प्रशासन व्यवस्था और शासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नई नई योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। वहीं यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली जबलपुर पुलिस फिर एक मासूम की जान बचाने में नाकाम रही। अभी कुछ महीने ही पहले स्कूल जाते वक्त सैंड नारवट की एक छात्रा का बड़ी निर्दयता से ट्रक से टक्कर मारकर बड़ी ही बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। सुबह सुबह छात्रा के अभिभावकों को बड़ा ही अविश्वसनीय, बड़ा ही असहनीय मंजर अपनी आंखों के सामने देखने को मिला। आज ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति अहिंसा चौक विजयनगर में देखने को मिली, जब नो एंट्री की नियमावली को तोड़ता हुआ बेलगाम ट्रक सड़क पर तांडव करते हुए आ रहा था और उसी वक्त एक मासूम छात्रा स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। और संभवतः वही हुआ जो विगत 2 माह पूर्व बस स्टैंड में हुआ था। ट्रक द्वारा मासूम को टक्कर का दृश्य इतना विवस्त था कि आम जनता कुछ भी समझ पाने में ना ट्रक द्वारा मासूम को मारे गई टक्कर का दृश्य इतना विवस्त था कि आम जनता कुछ भी समझ पाने में ना कामयाब दिखी। मासूम छात्रा के स्कूल शिक्षकों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस द्वारा ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया गया। बात ये नहीं है कि ट्रक जब्त कर लिया गया, प्रश्न वह उठता है कि नो एंट्री के वक्त सिर्फ चंद पैसों के खातिर या पुलिस वाले किस प्रकार से मासूम बच्चों का जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वही यातायात पुलिस यातायात सप्ताह मनाकर स्वयं को बधाई देने में व्यस्त है। अपना पिता शिववंशी, पिता राज राम किशोर शिववंशी है, उम्र 15 साल की रहने, 15 साल निवासी है, 41.00 विजयनगर में रहने वाली बच्ची है जो संत विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं पढ़ती है। आज ग्रांत को स्कूल गई हुई थी, स्कूल से 4:30 बजे साइकिल से घर आ रही थी, जो ऐसा चौक के द्वारा एक्सीडेंट होने पर उसकी मौत हो गई। भारत क्रिकेट टूर्नामेंट में एसएस क्लब एवं डब्ल्यूसीआर के बीच मैच खेला गया। एसएस क्लब ने मैच 82 रनों से जीत लिया।
कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी का मुकाबला एसएस क्लब और बेस्ट सेंट्रल रेलवे के बीच खेला गया। एसएस क्लब ने मैच 82 रनों से जीत लिया। एसएस क्लब के बॉलरों ने अच्छी गेंदबाजी कर रेलवे को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। मुख्य अतिथि ब्रिटिश स्कूल के डायरेक्टर अनुराग सोनी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने की बात कही। खिलाड़ियों द्वारा भी उनके विचारों की सराहना करते हुए ताली बजाकर अभिवादन किया। कॉर्पोरेट कप जो कि रानीताल स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, इसके स्पॉन्सर्स डिजिटल भारत, सेल नेटवर्क, गोल बाजार अकेडमी, बहुत ही सराहनीय प्रयास है नए खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए। ये अभी जो मैं देख रहा हूँ, आज 40-40 ओवर्स के मैच हो रहे हैं, 2 मैचेस होंगे, ये 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लगातार मैचेस चलेंगे और बहुत ही अच्छा प्रयास किया है हमारे यहाँ के स्पॉन्सर्स ने। डिजिटल भारत द्वारा आयोजित ये जो क्रिकेट कॉर्पोरेट मैच है, ये वाकई बहुत अच्छा उदाहरण है जबलपुर के लिए, क्योंकि दिन भर जो लोग काम करते हैं उनके जीवन में भी कुछ नया होना चाहिए। इस नएपन के लिए ये जो क्रिकेट मैच है, ये वाकई बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई। बरेला बस स्टैंड से टोल नाके तक पैदल मार्च किया गया। बरेला टोल नाका के विरोध में इंटेक कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश आंदोलन बरेला में किया गया। आंदोलन में बरेला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ऑटो चालक व्यापारियों ने भी सहयोग कर आंदोलन में प्रदर्शन किया। बरेला रहवासियों के लिए इंटेक कांग्रेस ने यह मांग रखी है कि टोल नाके से बरेला की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, लेकिन टोल 80 किलोमीटर का भरना पड़ता है। हजारों लोगों ने 2.5 किलोमीटर चलकर इस बात का विरोध किया। बरेला में इंटेक कांग्रेस के संयोजन में और समस्त क्षेत्रीय बरेला के आसपास के ग्रामीण पदाधिकारियों ने, व्यापारियों ने, ऑटो रिक्शा चालक संघ ने, सब ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए आज इस जन आक्रोश आंदोलन में शामिल हुए। सामान्य से 3 पायदान आगे बढ़ा पारा। बादलों की मौजूदगी की वजह से रात के तापमान में इजाफा हुआ है। सामान्य से 3 पायदान ऊपर पहुंचे न्यूनतम तापमान ने ठंडक को तकरीबन गायब कर बेचैनी का एहसास कराया। दिन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी हवाएं चली। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय पर मौसम में बदलाव की आशंका बनी हुई है। कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ के असर पर आगे का मौसम निर्भर रहेगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डिजिटल भारत के साथ।